रमजान के 30 रोजे रखने के बाद ईद का त्योहार नजदीक आ जाता है। अम्मी जान, ईद आने वाली है, इस बार तो मुझे नए कपड़े लाकर दोगी ना? हाँ मेरे बेटे, इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इस बार तुम्हारी ईद पर हम कपड़े बनवा देंगे। हाँ अम्मी जान, मैं दूसरे बच्चों को नए कपड़े पहनते देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। हाँ अम्मी जान, मैं भी अपनी सहेलियों को नए कपड़े और शरारा पहने देखती हूँ तो मुझे भी अपनी गरीबी देखकर रोना आता है कि अल्लाह ताला ने हमें गरीब क्यों बनाया। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, कपड़े पहनने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह हमें मायूस नहीं करेगा। अल्लाह ताला अपने बंदों को सब्र करता देखते हैं, तो अल्लाह की राह में सब्र करो और अल्लाह ताला तुम्हें खूब खुशियों से नवाजेंगे। इतने में अब्दुल्ला आ जाता है। आ गए आप, सुनिए, ईद का त्योहार नजदीक आने वाला है और बच्चे कपड़ों के लिए जिद कर रहे हैं। हाँ बेगम, मैं जानता हूँ। क्या हमारे बच्चों को हर साल की तरह इस साल भी नए कपड़े नहीं मिलेंगे? इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा, चाहे हम लोगों के कपड़े ना बने लेकिन बच्चों की हसरत को जरूर पूरा करें। अरे सुल्तान और बादल कहाँ है? राहिल गया होगा उन्हें जंगल में पत्ते खिलाने। कुछ घंटों के बाद शाम हो जाती है कि तभी अजान होने लगती है और सभी लोग रोजा खोलने की तैयारियों में होते हैं। ये राहिल और सुल्तान बादल अभी तक नहीं आए, रोजा खोलने का टाइम हो गया है। हाँ अम्मी जान, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। मरियम बाहर जाकर देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। अम्मी जान, वो लोग अभी तक नहीं आए। थोड़ी ही देर के बाद राहिल, सुल्तान और बादल आ जाते हैं। अरे तुम तीनों कहाँ चले जाती हो रोजा के टाइम? अम्मी जान, हम जंगल चले गए थे ताकि हमें फल फ्रूट मिल जाए जिससे हम रोजा का इफ्तार कर सके। माशाल्लाह भाई। मेरे बेटे, बहुत अच्छा किया जो फल ले आए, इससे हम लोग रोजा इफ्तार कर लेंगे, नहीं तो घर में एक खजूर ही थे। कुछ देर बाद ही अजान होने लगती है और वो लोग रोजा इफ्तार करने लगते हैं और रोजा इफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ते हैं। या अल्लाह, तू ही गरीबों की मदद करने वाला है, इस बार ईद पर सबको ढेर सारी खुशियाँ देना और गरीबों के लिए कपड़े जरूर बनाना। जो लोग रोजा रखते हैं अल्लाह ताला उनकी मदद अता फरमा। तभी दूर खड़े हुए सुल्तान और बादल उनकी बातें सुन रहे होते हैं। बादल सुल्तान से कहता है, इस बार हमें लोगों के लिए कुछ करना होगा जिससे हम गांव के गरीब लोगों के लिए नए कपड़े बना सके। ऐसा क्या करना होगा? हमें अपनी जादुई शक्ति से कपड़े लाने होंगे और तुम्हें उन्हें कपड़ों को सिलना होगा। ये तो बहुत अच्छा मशवरा है। देखना, इस बार अल्लाह के हुक्म से कोई भी घर में कोई भूखा नहीं रहेगा। हर घर में अच्छे अच्छे खाने बनेंगे और हर घर में नए नए कपड़े लोग पहनेंगे इंशाल्लाह। राहिल, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताओ सुल्तान, बाबा का काम धाम इतना नहीं रहता है, दो वक्त की रोटी का जुगाड़ भी जैसे तैसे हो पाता है। पता नहीं इस बार बाबा भी हमारे लिए नए कपड़े बनवा पाएंगे या नहीं और हम ईद पर अच्छा अच्छा खाना खा पाएंगे या नहीं। तुम फिक्र ना करो, इस बार तुम अच्छा खाना भी खाओगे और नए कपड़े भी पहनोगे और तुम्हारे साथ साथ गांव के सभी गरीब बच्चे भी नए नए कपड़े पहनेंगे। वो कैसे? ये सब हम दोनों पर छोड़ दो, इंशाअल्लाह इस बार किसी गरीब की झोली खाली नहीं जाएगी। अगले दिन अब्दुल्ला काम पर जाता है। अच्छा बेगम, मैं काम पर जा रहा हूँ, काम की तलाश में, शायद आज कोई काम मिल जाए। इंशाअल्लाह आपको काम जरूर मिल जाएगा। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताइए क्या कहना है। मुझे भी पास ही की बाजी से कुछ सिलाई का काम मिला है, क्या मैं कर सकती हूँ? अगर आपकी इजाज़त हो तो। कर लीजिए, मेरी इजाज़त है क्योंकि हमें अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बनाने हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हम अपने बच्चों को ईद पर यूं मायूस नहीं देख सकते। ठीक कहा आपने। अच्छा चलिए, आप भी काम की तलाश में जाइए और मैं भी एक काम लेकर आती हूँ। सकीना पास की बाजी के पास जाती है और वो बाजी उसे सिलाई का कुछ काम दे देती है। ध्यान रखना, काम में साफ सफाई रहनी चाहिए, नहीं तो कस्टमर पैसे देने में आनाकानी करते हैं। ठीक है बाजी, ध्यान रखूंगी। इस तरह सकीना को काम मिल जाता है और ईद के लिए अपने बच्चों के लिए वो मेहनत करती है। उधर अब्दुल्ला को भी एक मजदूरी का काम लग जाता है जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। शाम का टाइम होता है, पूरा परिवार रोजा खोलने के लिए बैठा होता है। अजान होते ही सब लोग रोजा खोलने लगते हैं और नमाज पढ़ने लगते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम दोनों को काम मिल गया। हाँ मैंने कहा था ना, अल्लाह बहुत ही नेक दिल है, वो अपने बंदों के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही देता है।
अम्मी जान, बाबा जान, हमारा सुल्तान भी हमारे लिए कुछ करना चाहता है। गांव के लोगों के बच्चों के लिए भी कुछ करेंगे। सुल्तान और बादल, इधर आओ। तुम लोग ईद पर क्या करने वाले हो मेरे बच्चों? बाबा जान, हम इस बार ईद पर सारे बच्चों के लिए नए नए कपड़े और खाने के लिए कुछ इंतजाम करेंगे। वो कैसे भला? आप अल्लाह पर भरोसा रखिए, देखना अल्लाह ताला इस बार ईद पर सारे बच्चों को नए नए कपड़े देंगे। सुल्तान, अब हमें अपना करिश्मा दिखाना होगा। सुल्तान अपनी जादुई शक्ति से नए नए कपड़े और खाने पीने के लिए फल सेवइयां ले आते हैं और वो राहिल को बुलाते हैं। राहिल आकर देखता है तो घर में बहुत सारा खाना और नए नए कपड़े रखे हुए थे। सुल्तान, बादल, ये खाना कहाँ से आया? हमने अपनी जादुई शक्ति से निकाला है। अल्लाह ताला ने हमें ऐसी अजीब शक्तियाँ बख्शी है जिससे हम किसी भी चीज को ला सकते हैं और गरीबों में तकसीम कर सकते हैं। सुल्तान, इन कपड़ों को तुम जल्दी जल्दी सी लो ताकि गांव के गरीब बच्चों को ईद से पहले हम कपड़े दे सके। सुल्तान दर्जी बन जाता है और दर्जी बनकर बच्चों के लिए नए नए कपड़े बनाकर देता है। इतनी देर में सकीना और अब्दुल्ला भी आ जाते हैं। अरे ये क्या, इतने सारे कपड़े और इतना सारा खाना कहाँ से आया? ये अल्लाह की तरफ से है जिससे गांव का कोई भी गरीब बच्चा भूखा ना सो सके और ईद के दिन कोई भी गरीब मायूस ना हो सके। अम्मी जान, बाबा जान, आप लोगों को ये सारे कपड़े गरीबों में बांटने होंगे। माशाल्लाह मेरे बेटे, अल्लाह बहुत ही रहीम और करीम है, हमेशा वो गरीबों की सुनने वाला है। हम गरीबों को तुम्हारे जरिए अल्लाह ताला ने ईद पर ये खुशियाँ दी है, अल्लाह तेरा शुक्र है। तभी सकीना, अब्दुल्ला, राहिल और मरियम सभी लोगों में खाना कपड़े बांटते हैं जिससे हर घर में ईद की खुशियाँ आती है और नए नए कपड़े सभी को पहनने को मिलते हैं और अच्छा अच्छा खाना भी खाने को मिलता है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।